डियर स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आप लोगों का अंग्रेजी का क्लास 10th है। हम लोग सप्लीमेंट्री का सेकंड लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पढ़ रहे थे, और ये पढ़ा था कि जो उस वक्त का उज्जैन का राजा था, जब उसने जजमेंट सीट को विक्रमादित्य की जो थी उसको खुदवा के निकलवा लिया था, तो अपने हॉल ऑफ जस्टिस में रखा और उस पर बैठने की जब उसने जिस दिन कोशिश किया, उस दिन एक ज़बरदस्त मतलब एक अजीब इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट ये था कि जो 25 स्टोन एंजल्स थे जिस पर वो मार्बल स्लैब टिका हुआ था, उसमें से एक एंजल ने उसको बैठने से रोका, उससे कुछ क्वेश्चन पूछा, उसकी एक कमी बताई, और जब राजा को एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, ये बुराई है, तो उसने उसको राय दिया कि जाओ 3 दिन तक व्रत रखो, 3 दिन तक पूजा पाठ करो, ताकि तुम अपने आप को प्यूरीफाई कर सको, अपने आप को शुद्ध कर सको, इस गंदगी से पाक कर सको, और फिर उसके बाद जब तुम इस लायक हो जाना तो इस सिंहासन पर आकर बैठना। इतना कहकर एक एंजल उड़ गया था, अब 24 एंजल बचे हुए थे। उसके बाद द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, फिर जैसे कि उस एंजल ने उस राजा को एडवाइस दिया था, तो किंग ने अपने आप को तैयार किया कैसे, विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग, यानी इबादत करके, पूजा पाठ करके और व्रत रखकर, रोज़ा रखकर, टू कम अगेन। किस लिए उसने ये सब किया, अपने आप को तैयार किया दोबारा फिर आने के लिए, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और उस विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी पर बैठने के लिए। लेकिन बट दिस टाइम अगेन, लेकिन इस बार फिर एक बार द सेम थिंग हैपेंड। सेम थिंग मतलब वही चीज़, हैपेंड माने होना, सेम थिंग वही चीज़ फिर हुई। फिर क्या हुई कि अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, जैसे ही उसने बैठने की कोशिश किया, एक और स्टोन एंजल आगे बढ़ता है और आने के बाद स्टोन एंजल ने उससे पूछा, इफ़ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू पासेस द रिचेज ऑफ अदर्स, पूछता है कि क्या कभी तुमने दूसरों की दौलत को हासिल करने की कोशिश नहीं किया, तुम्हारे मन में कभी इच्छा नहीं पैदा हुई, चाहत नहीं आई कि जो दूसरों की रिचेज है, जो दूसरों की वेल्थ है, जो दूसरों की धन दौलत है, जो संपदा है, वो तुम्हारी हो जाए, मतलब दूसरों के माल को हड़पने की तुम्हारे मन में कभी इच्छा नहीं पैदा हुई। अब इस बार राजा को फिर खामोश होना पड़ा, क्योंकि राजा जानता था कि हाँ मेरे अंदर ये भी कमी है। द किंग एडमिटेड दैट, राजा ने, किंग ने एडमिट का मतलब स्वीकार करना, मानना, ये माना, उस मानना पड़ा उसको कि ही हैड डन सो, कि उसने ऐसा किया है, एंड और देयरफॉर ही वॉज नॉट वर्दी टू सीट ऑन द जजमेंट सीट, और इसलिए वो उस जजमेंट सीट पर बैठने के लायक नहीं है। मान लिया उसने इस बात को कि हमने दूसरों के माल को हड़पा है, दूसरों की धन दौलत को हमने छीना है, तो इसलिए वो उस सीट पर बैठने के लायक नहीं है। उसको फिर वो एंजल एडवाइस देता है कि जाओ और अपने आप को इस गंदगी से पाक करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, वही चीज़ जो बताया था कि 3 दिन व्रत रखो, 3 दिन जो है वो पूजा पाठ करो। तो इस तरह से, इन दिस वे, इस तरह से, व्हेन यू आर, जब कभी भी, द किंग ट्राइड टू ऑक्युपाई द थ्रोन, जब कभी भी राजा ने ट्राइड माने कोशिश किया, ऑक्युपाई माने होता है यानी कब्जा करना, अधिकार जमाना, ग्रहण करना, जब कभी उसने उस थ्रोन को, सिंहासन को पाने की कोशिश किया, ही वॉज क्वेश्चनड, तो उससे फ़ौरन सवाल पूछ लिया जाता बाई एन एंजल, कोई ना कोई एक एंजल आगे बढ़कर उससे सवाल पूछ लेता, एंड ही हैड टू विदड्रा, और उसको विदड्रा माने पीछे हटना, उसको पीछे हटना पड़ जाता था। दिस वेंट ऑन, ये चीज़ चलता रहा टिल ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट, यहाँ तक कि सिर्फ एक एंजल अब बचा, वो सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, बस उसी एक एंजल पर वो मार्बल स्लैब जो है टिका हुआ था। तो द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा जो है वो उस थ्रोन, उस सिंहासन के पास जाता है विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, कैसे जाता है, बड़े विश्वास के साथ में पहुँचता है, बहुत भरोसे के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के पास साथ जाता है। फार ही फेल्ट श्योर, क्योंकि इस बार उसको पूरा पूरा विश्वास था, फेल्ट मतलब होता है वो, मतलब जैसे महसूस करना, श्योर मतलब यकीन होना, विश्वास होना, उसको पूरा पूरा विश्वास था किस बात का, कि ऑफ बींग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, उसको इस बात का विश्वास था कि आज के दिन तो अब उसको परमिशन मिल ही जाएगी, आज के दिन तो उसको अलाउ मतलब अनुमति मिल ही जाएगी बैठने के लिए, क्योंकि अब एक एंजिल बचा है, यानी 24 एंजिल जो है उसको वो पूजा पाठ करा चुके, व्रत रखा चुके, सोचता है कि 24 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 72 दिन से वो लगातार जो है वो इबादत कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, 72 दिन से लगातार व्रत रख रहा है, व्रत रख रहा है, मतलब ये तो अब तो अपने आप को उसके मन में फीलिंग आई कि अब तो हम एक संत महात्मा बन चुके होंगे, 72 दिन से हम ईश्वर की इबादत में डूबे हुए हैं, व्रत रख रहे हैं, अब तो हमको बैठने के लिए परमिशन मिली जाएगी। बट लेकिन एज ही केम नियर द सीट, लेकिन वो इतना गंदा आदमी था कि अभी भी उसका पाप पूरी तरह से उसे धुल नहीं पाया है, कि जैसे ही वो उस सीट के पास पहुंचा, जब वहां पहुंचता है तो द लास्ट एंजल स्पोक, जो आखिरी एंजल था वो बोल पड़ा, दिल उसका धड़कता रहा होगा जैसे जैसे पास पहुंचा होगा, और जब पास पहुंचा तो आखिरी एंजल उससे बोल पड़ा, क्या बोलता है, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, बोलता है कि ओ राजा ये बताओ, क्या तुम्हारा दिल जो है पूरी तरह से प्योर है, शुद्ध है। अब मन की बात किया, क्यों इतना परेशान हो बैठने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो मन में एक लालच है ना, एक लालच की वजह से बैठ रहा है, तो इसलिए वो पूछता है कि क्या तुम्हारा हार्ट पूरी तरह से एकदम प्योर शुद्ध है, कैसे शुद्ध है, इज़ योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हार्ट वैसे ही पाक साफ, वैसे ही पवित्र है, वैसे ही साफ शुद्ध है
जैसे एक छोटे बच्चे का होता है। इफ़ सो, अगर ऐसा है तो यू आर इंडीड वर्दी टू सीट ऑन दिस सीट, तो वास्तव में तुम इस सीट पर बैठने के लायक हो। ये उसको जब लास्ट को एंजल पूछता है, राजा को फिर इस बात को मानना पड़ता है, बोलता है नो। सेड द किंग वेरी स्लोली, वो राजा बहुत धीमे से कहता है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसको पता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। बोलता है नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन वर्ड्स के साथ में, इन शब्दों के साथ में, द एंजल फ्लू अप इन टू द स्काई, वो जो लास्ट एंजल था वो भी आसमान में उड़ गया। अब वो आसमान में उड़ गया तो जो मार्बल स्लैब है वो कहाँ गया? छोड़ा नहीं उसने। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, उस स्लैब को जिस पर बैठने वाली जो सीट होती है उसको अपने सर पर रखे वो उड़ गया लास्ट एंजल। तो बताती हैं जो सिस्टर नवेदिता, जो इसकी राइटर हैं, कि दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्राम द अर्थ फॉर एवर। इस तरह से बताया कि ये जो विक्रमादित्य की जजमेंट सीट थी, हमेशा हमेश के लिए इस दुनिया से गायब हो गए, डिसअपियर्ड हो गए, ख़त्म हो गई। हम लोगों का लेसन ख़त्म हुआ। अगला लेसन हम लोग कल की वीडियो में पढ़ें।